आप लोगों ने उसका एक्सटीरियर लुक तो पार्ट वन में देख लिया है, अब मैं आपको उसका इंटीरियर लुक शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आई नो आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इसका एक्सटीरियर लुक इतना धांसू था तो इंटीरियर लुक में आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले इंटीरियर लुक दिखाने से पहले मैं इसका बिफोर लुक आपके साथ शेयर करना। बिफोर वीडियो में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर हमारा था प्लास्टिक पार्ट एंड हम लोगों ने इसको लेदर रैप किया है विद रेड कलर के थ्रेड वर्क के साथ, स्मूथ फिनिशिंग इसकी दी हुई है। एंड आप ये भी देख सकते हो कि जहाँ पे हम लोगों ने आरसी लीवर है वहाँ पे भी हम लोगों ने अंदर की तरफ भी ग्रूविंग किया एंड आउटर पे हम लोगों ने थ्रेड वर्क दिए रेड कलर के साथ। लोअर वाला पार्ट जो सेंटर पार्ट भी है वो भी आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इसको फुल ब्लैक में लिया है विद कुशनिंग के साथ को, और उसी के साथ अब डोर अदर अपोस्ट्री जहाँ पे हैंड रेस्ट रहता है आप देखेंगे वहाँ पे भी हम लोगों ने ब्लैक कलर का कुशनिंग के साथ दिया है विद रेड कलर का थ्रेड वर्क, क्योंकि ब्लैक कंफर्ट वाइज की कंफर्टेबल रहे। इस बाद हम चलते हैं पावर विंडो पे, पावर विंडो पे हम लोगों ने हाई ग्लॉस पियानो फिनिश किया है एंड अब आप इसके डोर हैंडल्स पे चल सकते हो। डोर हैंडल को हम लोगों ने मैट फिनिश के अंदर ब्लैक के अंदर लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग की है, ब्लैक कलर के अंदर इसको दिया गया है। ब्रेस्ट पार्ट हमारा जो नीचे वाला रहने वाला है उसको हम लोगों ने रेड कलर का लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग। चाहते हैं इसके डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड भी आप इसका देखोगे हम लोगों ने लेदर रैप किया ब्लैक लेदर के साथ विद रेड कलर का हाईलाइटेड हम लोगों ने इसके ऊपर थ्रेड वर्क दिया है। आप इसकी फिनिशिंग मतलब देख सकते हो कि मुझे ये गाड़ी इतनी वाव फील हो रही है। आई नो शायद कुछ पर्सन्स को इसका कलर में भी शायद ना पसंद आए, बट जो स्पोर्ट्स लवर है उनको ये कलर जरूर पसंद आएगा। मतलब बट ये भी है कि हाँ ठीक है, अगर आप रेड एंड ब्लैक नहीं पसंद करते तो आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर से आप इसका डैशबोर्ड देखोगी बहुत ही ज्यादा परफेक्शन वर्क के साथ इसको किया हुआ है। आप इसकी पूरी फिनिशिंग देख सकते हो कि पूरा एज टू एज ये फिक्स्ड अप है, कहीं से भी कोई भी पार्ट इसका लूज नहीं है। विद ड्यूअल कलर का थ्रेडवर्क हम लोगों ने दिया है रेड कलर के अंदर जो कि पूरे डैशबोर्ड को ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट कर रहा है। मतलब ओवरऑल फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिंकल आ रहे हैं या थ्रेडवर्क टेढ़ा है। मतलब ओवरऑल फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो कि परफेक्शन वर्क के साथ हम लोगों ने इसको रेडी किया है। उसी के साथ हम चलते हैं इसके वेंट्स पे। वेंट्स आपने देखा होगा पहले सिल्वर थे, हम लोगों ने जैसा कि थीम इसके अंदर लिया है ब्लैक एंड रेड कलर, तो हम लोगों ने इसके एसी वेंट्स को मैट रेड के अंदर कन्वर्ट किया है। क्योंकि आप देखोगे पूरा जो डैशबोर्ड है वो ब्लैक था, तो ब्लैक के ऊपर जो रेड कलर के एसी वेंट्स हम लोगों ने दिए वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और अभी मैं इसका लुक आपको पीछे जाकर भी दिखाऊंगी कि फ्रंट से हमारा लुक कैसा लगेगा। एंड उसका अब हम चलते हैं स्टीरियो पैनल पे। स्टीरियो पैनल हम लोगों ने पियानो फिनिश किया है हाई ग्लॉस फिनिश के अंदर। उसके बाद आप इसके भी एसी वेंट्स देख सकते हैं कि एसी वेंट्स पे हम लोगों ने इसको रेड किया है मैट फिनिश में। मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, बहुत सारे कस्टमर्स के शायद ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैम आप लोगों ने अपर वाला पार्ट क्यों नहीं चेंज किया या हम लोगों ने उसको रेड क्यों नहीं किया। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम इस वाले पार्ट को कुछ भी कोटिंग करते हैं तो आप अगर नाइट में आप गाड़ी को
चलाते हो तो उसमें आपका रिफ्लेक्शन आएगा विंड स्क्रीन ग्लास के ऊपर। आप इवन मेरा हाथ भी देख सकते हो, थोड़ा सा पास लाके दिखाइए, आप मेरा हाथ देख सकते हो कि अभी भी हाथ मेरा शो हो रहा होगा आपके विंड स्क्रीन ग्लास के ऊपर। इसीलिए यही केस रहता है कि हम किसी भी गाड़ी का अपर वाला जो पार्ट रहते हैं वो हम ब्लैक ही रखते हैं ताकि कल को किसी भी मॉडिफिकेशन की वजह से कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। आई नो मार्केट में लोग कर देते हैं, बट मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना अपर वाला पार्ट इसको कलर या कुछ भी ट्रीटमेंट इसके ऊपर ना करवाइए, इसके ऊपर डार्क कलर्स में ही रखिए। क्योंकि आपने देखा होगा सारी कार्स के अंदर या तो ये ब्लैक आता है या डार्क अपना ब्राउन आता है या डार्क ग्रे आता है। क्योंकि डार्क इसीलिए आता है क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारा विंडस्क्रीन ग्लास पे आता है, हम नहीं चाहते कि कोई भी आपका मिस हैपनिंग हो, तो इसीलिए हम लोगों ने इस वाले पार्ट को ब्लैक लिया है। सेंटर पार्ट हमारा आपने देखा होगा ब्लैक विद रेड कलर का थ्रेडवर्क रहा है। अब चलते हैं हम लोअर वाले पार्ट पे। लोअर वाले पार्ट को हम लोगों ने इसको लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग की है रेड कलर के अंदर, क्योंकि वो अपर हम लोगों ने ब्लैक लिया था, लोअर हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको रेड लिया है। लोअर डैशबोर्ड के साथ साथ आप इसका सेंटर कंसोल भी देख सकते हो कि कंसोल इसका पूरा पहले ब्लैक कलर में था, जिसको हम लोगों ने पूरा चेंज ना करके लोअर पार्ट हम लोगों ने वही ओरिजिनल वाला ब्लैक मेंटेन किया है। उसके साथ हम लोगों ने चेंजेस सिर्फ अपर वाले पार्ट के अंदर किए हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा थीम ड्यूअल टोन में है तो अगर हम इसको ज्यादा कर दे तो माइट भी शायद थोड़ी सी ज्यादा ओवर हो जाती, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इसका अपर वाला पार्ट ही लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है रेड कलर के अंदर। ये कोटिंग है बेसिकली लेदर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि लेदर हर एक पार्ट पे नहीं लग सकता है, तो हम लोगों ने इस पार्ट पे कोटिंग किया है। एंड आप देख सकते हो कि मैं इसको अपने नेल्स के साथ इसको थोड़ा सा स्क्रैच करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये इजिली पील आउट भी आपका ये नहीं होने वाला है, आप चेक कर सकते हो। बाद आप इसके पिलर्स भी देख सकते हो, पिलर्स भी हम लोगों ने अपने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है ब्लैक कलर के अंदर, जो कि इंटीरियर से मैच। फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीट्स पर। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीट्स जो थी वो उसकी नॉर्मल थी, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मिंग के साथ इसको इनको थोड़ा सा ब्रॉड किया, क्योंकि एज पर द कस्टमर उन्होंने बताया था कि उनकी ट्रेवलिंग ज्यादा रहती है, तो उन्होंने कम्फर्ट के लिए हम लोगों ने इनका लोअर वाला पार्ट भी ब्रॉड किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोमिंग एंड पैडिंग किया है। एंड अपर वाले पार्ट को भी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रॉड किया, ज्यादा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, उसी को ही ओरिजिनल सीट्स के पैटर्न को ही हम लोगों ने मेंटेन किया है, ज्यादा कुछ चेंजेस के अंदर नहीं किया है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ इसको ब्रॉड कर दिया ताकि कस्टमर को कम्फर्ट आए। उसी के साथ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ उसका जो लेदर रहेगा वो रहेगा प्योर जेन्युइन नापा लेदर। इस मतलब आप प्योर लेदर की फील देख सकते हो, कितनी जबरदस्त इसकी फील आ रही है। कलर कॉम्बिनेशन इसका देख सकते हो एज पर इंटीरियर ब्लैक एंड रेड कलर के अंदर हम लोगों ने इसको इन सीट्स को मेंटेन किया है। एंड अब मैं डिजाइनिंग की बात करती हूँ, डिजाइनिंग आप फ्रंट पे लेके चलते हैं। पहले फ्रंट पे आप देखोगे हम लोगों ने ब्लैक कलर का जेन्युइन नापा लेदर यूज किया है, सेंटर वाला पार्ट हमारा ब्लैक रहेगा विद ब्लैक कलर के थ्रेडवर्क से हम लोगों ने इसके अंदर डिजाइनिंग दिया है। आप देख सकते हो ब्लैक पे हम लोगों ने ब्लैक कलर का थ्रेडवर्क यूज किया है इसके ऊपर, और डिजाइनिंग की है जिसके ऊपर हम लोगों ने रेड कलर का थ्रेडवर्क दिया है जस्ट फॉर द डिजाइनिंग। आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सोबर डिजाइनिंग के बाद भी ये पूरी स्पोर्ट्स लुक लग रही है, बहुत ही जबरदस्त फील दे रही है आपको। उसी के साथ हम लोग साइड वाले पैनल पे चलते हैं। साइड वाले आप पट्टे पे देख सकते हो कि हम लोगों ने ड्यूअल कॉम्बिनेशन में इसको दिया हुआ है। ब्लैक रहेगा आपका इनर वाला पार्ट, और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे सीट्स की फॉर्मिंग का डिजाइन है वैसे वैसे ये भी अपना माउंटेन डिजाइन आप बोल सकते हो, उसी की तरह ये जा रहा है zigzag। और इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर हम लोगों ने अपना रेड कलर का थ्रेडवर्क यूज किया है, नीचे भी आप देख सकते हो ब्लैक के ऊपर रेड कलर का थ्रेडवर्क यूज किया हुआ है हम लोगों ने। मतलब डिजाइनिंग आप देख सकते हो कि ओवरऑल डिजाइनिंग एज पर कस्टमर, ये डिजाइन हमें कस्टमर ने सजेस्ट किया था कि मैम मुझे कुछ इस तरीके का डिजाइन चाहिए, तो हम लोगों ने उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिजाइन बनाया हुआ है। और इसके साइड्स आप देख सकते हो, साइड्स इसकी पूरी रेड रहने वाली है विद रेड कलर का थ्रेडवर्क। हम लोगों ने पूरी कार के अंदर रेड पे रेड कलर का थ्रेडवर्क ही यूज किया है, सिर्फ सीट्स के लिए हम लोगों ने ब्लैक यूज किया है ताकि ज्यादा ऑड ना लगे सीट्स, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर ब्लैक कलर का थ्रेडवर्क यूज किया है। उसी की बात चलते हैं इसके हेडरेस्ट पे, हेडरेस्ट भी आप देख सकते हो टोटली इसका
फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट उसका रेड रहने वाला, साइड्स हमारी इसकी ब्लैक रहेंगी विद रेड कलर का थ्रेड वर्क। कॉर्नर्स पे जो हमारी थ्रेड वर्क है वो हमारी थी ड्यूअल स्टिचिंग थ्रेड वर्क रहेगी। इनर वाले पार्ट पे ही हम लोगों ने सिर्फ सिंगल थ्रेड वर्क यूज करा। अब ये मैं आपके साथ इसका पीछे का लुक भी शेयर करूंगी जब हम रियर सीट्स पे जाएंगे। अब मैं चलती हूँ इसके आर्मरेस पे। आर्मरेस भी आप देख सकते हो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोमिंग के साथ दिया हुआ है। आई गॉट दिस। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि एक्स्ट्रा फोमिंग के साथ सीट कवर्स की कुछ आई थिंक कमियां हम लोग छुपाते हैं, ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग या पैडिंग दिया है तो उससे कस्टमर के कम्फर्ट के लिए दिया है। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि एक भी रिंकल आपको शो नहीं हो पा रहा होगा। तो जो भी जिन भी कस्टमर की क्वेरीज थी, होपफुली अगर वो वीडियोस देखेंगे तो शायद उनको समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मार्केट से काम इसलिए ही डिफरेंट है क्योंकि हम लोग क्वालिटी वर्क में बिलीव करते हैं और हम लोग क्वालिटी वर्क कस्टमर को देख सकते हो कि हम लोगों ने ड्यूअल कॉम्बिनेशन के अंदर इसको रेडी किया है। आपने देखा होगा अगर हम लोगों ने इस कार को पूरा स्पोर्ट्स लुक दिया है तो हम लोगों ने स्टेयरिंग को भी स्पोर्ट्स लुक के साथ ही थोड़ा सा अपना देने की कोशिश की है। होपफुली आपको लगेगा जो इसकी डिजाइनिंग दी, आप डिजाइनिंग इसकी देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पोर्ट्स स्टेयरिंग हो। हमने अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश की है एंड आप इसको देख सकते हो कि ड्यूअल कॉम्बिनेशन में है विद रेड कलर का थ्रेड वर्क हम लोगों ने दिया है। इनर वाला पार्ट जो था ये हमारा रेड है विद रेड कलर का थ्रेड वर्क। टोटली जो थ्रेड वर्क है टोटली हैंड स्टिच्ड है। इसको बनाने में समय अराउंड हमें 3 to 4 hours लगे हैं। मतलब आप ओवरऑल लुक किसके देख सकते हो कि पूरा स्पोर्ट्स जैसा फील दे रहा है मुझे, स्पोर्ट्स लुक, स्पोर्ट्स स्टेयरिंग जैसा फील दे रहा है। और फिनिशिंग इसकी ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त है, कहीं से भी लूज नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर भी जेन्युइन नापा लेदर इसके अंदर यूज किया है ब्लैक एंड रेड कलर के अंदर एज पर द थीम। उसी के साथ हम चलते हैं इसके वी पैनल पे। वी पैनल भी आप देखोगे हम लोगों ने ड्यूअल शेड के अंदर इसको दिया हुआ है। इनर वाला पार्ट हम लोगों ने किया हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक एंड आउटर से हम लोगों ने इसको रेड मैट के अंदर दिया है। उसके बाद आप देखिए इसके स्टेयरिंग कंट्रोल्स वाला पार्ट भी आप इसका देख सकते हो कि स्टेयरिंग कंट्रोल वाले पार्ट पे भी हमने पियानो फिनिश दिया है। मतलब आप ओवरऑल लुक एक बार देख सकते हो स्टेयरिंग की। हम लोगों ने इसको रेड एंड ब्लैक कलर के साथ रेडी किया है विद पियानो फिनिश के वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पियानो फिनिश दिया हुआ है जो पहले आपका नॉर्मल ब्लैक मैट फिनिश के अंदर था। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो कि ओवरऑल हम लोगों ने कार के अंदर ब्लैक एंड रेड कलर के थीम के साथ पियानो फिनिश भी किया है एंड रेड मैट फिनिश भी किया ताकि डिफरेंट ही लगे कार। आगे से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा लुक दिखा दिया। अब हम चलते हैं पीछे जिसके अंदर मैं आपकी रूफ भी कवर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने रूफ के अंदर भी चेंजेस किए हैं। तो भाई तो अब हम रियर सीट्स पे आ गए हैं। पहले मैं आपका फ्रंट सीट्स की बैक दिखाना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि इसके जो साइड्स थे वो टोटली अपना रेड था, रेड विद ब्लैक, और इसके ऊपर भी हम लोगों ने थ्रेड वर्क दिया है। आप देखेंगे रेड कलर का थ्रेड वर्क इसके अंदर दिया गया है, 12 पीसेस में दिया गया है। देखेंगे इसके बैक वाली साइड पे भी इसकी कुशनिंग दी हुई है। सेंटर वाला पार्ट हमारा पूरा ब्लैक रहने वाला है। पॉकेट्स आप इसके देख सकते हो वही अपना ब्लैक के ऊपर रेड कलर का थ्रेड वर्क से काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है और जो कि सिंगल थ्रेड वर्क है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ सीट्स के। सीट्स पे आप देखोगे हम लोगों ने ओरिजिनल कारपेट इसका लगाया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कस्टमाइज्ड सीट कवर्स में डील करते हैं जिसमें हम आपके सीट्स का ओरिजिनल कारपेट इन बीडिंग यूज करते हैं ताकि आपकी जो सीट्स की फिटिंग आए वो ओरिजिनल जैसी ही आए, जस्ट लाइक टॉप मॉडल ओएम फिटिंग। हम चलते हैं इसके रूफ की तरफ। वाव, आप इसके रूफ देख सकते हो कि रूफ में भी हम लोगों ने वर्क किया है। ब्लैक एंड रेड कलर का थीम हम लोगों ने लिया है। आप चेकआउट कर सकते हो कि ये भी बहुत जबरदस्त लग रही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि इसको हम लोगों ने ब्लैक एंड रेड कलर के अंदर हम लोगों ने इसकी रूफ भी बनाई है जिसके अंदर आप देखोगे ओवरऑल इसका जो था वो ब्लैक था, सिर्फ रेड कलर के अंदर हम लोगों ने इसमें स्ट्रिप डाली है विथ थ्रेड वर्क। आप रेड कलर का थ्रेड वर्क भी आप इसके अंदर देख सकते हो कि हाईलाइट कर रहा है ब्लैक के ऊपर, कितना जबरदस्त लग रहा है। आप नीचे से भी आप इसको, मैं आपको इसके लुक दिखाना चाहती हूँ। एंड जो इसके लाइट्स वाला पार्ट था उसके ऊपर हम लोगों ने रेड कलर का अपना कोटिंग किया है। एंड जो सनग्लास होल्डर वाला हमारी कैबिन लाइट थी आप देखोगे इसको हमने ड्यूअल कॉम्बिनेशन के अंदर किया है। रेड के साथ साथ इसके अंदर हम लोगों ने अपना ब्लैक भी लिया है
आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो उसके सनशेड थे वो हम लोगों ने पूरा ब्लैक किया है, एंड जो उसके डोर हैंडल्स थे डोर हैंडल्स को भी हम लोगों ने इसमें अपना ब्लैक कलर का थी इसको भी रेड कलर के अंदर कन्वर्ट किया है, जो कि पहले आपकी ब्लैक कलर के अंदर कारपेट में थी। मैट्स भी इसके इंस्टॉल किया, ग्रास मैट वगैरह आप देख सकते हो टोटली ब्लैक है। हाईलाइट करने के लिए, जस्ट फॉर द हाईलाइट के लिए हम लोगों ने इसके अंदर रेड कलर के इसके आउटर वाला। देख ली है, फर्स्ट पार्ट में आपने इसका एक्सटीरियर देखा था, सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ ये पूरा इंटीरियर शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसी के साथ अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। अदरवाइज आप ऐसे इनोवेटिव वर्क डिफरेंट वर्क्स नहीं देख पाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हमारे आउटलेट पे विजिट करने के लिए हमारा एड्रेस रहेगा 13/13 सी रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर KA44 न्यू दिल्ली। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पे आप हमारे आउटलेट का गूगल लोकेशन ले सकते हैं, जिससे आपको हमारे आउटलेट पे विजिट करने में इजी होगा। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इनकेस अगर हम आपका कॉल नहीं पिक कर पाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर रहेगा 7271939393। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी इनोवेटिव वर्क देखते रहिए एंड स्टे सेफ।